नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम दोस्तों। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ टोमेटो पिकल, वो भी इंस्टेंट। ऐसे बस 10 मिनट में आप बना सकते हो वेरी टेस्टी टोमेटो पिकल। चलिए इसे कैसे बनाते हैं हम लोग सीखेंगे। ये टोमेटो से 1/2 किलो, थोड़ा थोड़ा भी आप बना सकते हो या फिर ज़्यादा भी बना सकते हो, ठीक है ना। 1/2 किलो लिया मैंने, 50 ग्राम का इमली, 100 ग्राम का नमक और थोड़ी सी हल्दी, ये है सिसमी ऑयल 50 ग्राम्स या 150 ग्राम्स भी ले सकते हो आप, गार्लिक 15 क्लोव्स चाहिए। फर्स्ट प्रोसेस ये है कि टमाटर को छोटे छोटे पीसेस कर इस तरह कट कर लीजिए, ठीक है। बहुत छोटे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आधा इधर आधा उधर, बड़ा भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस तरह आप टमाटर्स को अच्छे से कट कर लीजिए। ये टमाटो चटनी आप कम से कम 1 महीने तक प्रिजर्व कर सकते हो अगर आपको फ्रिज में रखना है, लेकिन अलग से रखना है तो 15 दिन काफ़ी है। थोड़ा थोड़ा बना लीजिए फ्रेंड्स, चटनी पिकल्स जो है तभी बहुत फ्रेश फ्रेश ही बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं ना। तो इस जो कट किया हुआ टमाटोज में मैंने इमली डाला है, लहसुन डाला है, नमक, सेंधा नमक, देखिए ये मोटा वाला नमक मैं डाल रही हूँ, पिकल्स के लिए ऐसा वाला मोटा नमक ही यूज़ कीजिए, ठीक है। डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लीजिए और इसमें थोड़ा भी पानी नहीं जाएगा। इसको इसी तरह इमली ऊपर रखिए, क्यों, ये अगर इमली नीचे पतीले को लगेगा तो जल जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर रख ढक्कन लगाकर पका लीजिए, ठीक है। ये प्रोसेस 1 है, बहुत इम्पोर्टेंट। इसको हम लोग करीब से करीब 15 मिनट तक ये पकेगा, सारा वाटर इसमें जो है वो अब्सॉर्ब होना है, ठीक है। अभी जाएंगे प्रोसेस 2 पे। प्रोसेस 2 है पाउडर्ड मसाले। पाउडर्ड मसाले में क्या क्या जाते हैं इसमें, जीरा। इसमें 1/2 किलो टमाटर लिया है तो 2 टेबल स्पून जीरा अच्छे से इस तरह भून लीजिए। इसकी खुशबू ना जब भून रहे होंगे आप तो घर में तो महक महक हो जाएगी। इस तरह जीरा को भून लीजिए। बाद में राई, राई 1 टेबल स्पून काफ़ी है, उसको ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट जो पैन हम लोगों ने जीरा के लिए लिया ना, उसी में डालकर जस्ट 30 सेकेंड्स के लिए भून लीजिए, ठीक है। बाद में 1/4 स्पून मेथी दाना। मेथी दाना इतना थोड़ा काफ़ी है, ज़्यादा मत डालिए, कड़वा हो जाएगा अचार, ठीक है। इस तरह 1/4 स्पून मेथी दाना को रेड भून लीजिए। इस तरह भुनने के बाद उसको भी हम लोग अलग से निकाल देंगे। ये पाउडर मसाले, ये सारे मसाले ठंडे होना है, उसके बाद ही आप इसका पाउडर बना लीजिए। चलिए देखेंगे टमाटोज कहाँ तक आए हैं, और पक रहा है, पानी और बाकी है, इसका सारा पानी अब्सॉर्ब होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग ठंडे के लिए रख दिया। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका ठंडा करने के बाद पाउडर कर इस तरह निकाल कर अलग से रख लेंगे। राई, जीरा और मेथी का ये हो गया, और फिर से एक बार जाके चेक करेंगे ना टमाटे कहाँ तक आए हैं। पक रहे हैं, पक रहे हैं और पक रहे हैं। पकने दीजिए, इसको प्यार दीजिए, टाइम दीजिए, अच्छे से आराम से जब पकेंगे बहुत नरम हो जाएंगे टमाटर, और ये बहुत आसानी से हम लोग इसका पिकल बना सकते हैं। ये देख रहे हैं ना, पानी सारा अब्जर्व हो चुका है। इसको बाहर निकाल कर गैस ऑफ कर दीजिए, इसको ठंडी पे रख दीजिए और ग्राइंड कर दीजिए, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, इसको ठंडा होने के बाद ही ग्राइंड कीजिए, ठीक है। अभी क्या करना है, ये सारा जो आप इस तरह देख रहे हैं ना, सारा पानी निकल गया। अभी इसको ये प्रोसेस पे आप ठंडा कर लीजिए, ठंडा कर अच्छे से पेस्ट बना लीजिए। ज़्यादा पेस्ट मत बनाइए, थोड़ा घरघरा पेस्ट काफ़ी है, ठीक है। अभी ये बन गया। प्रोसेस 3 पे जाएंगे टेम्परिंग के लिए। टेम्परिंग के क्या चाहिए, यह मैं ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। टमाटो पिकल में मस्टर्ड ऑयल मस्त रहता है। ये गार्लिक क्लोव है जो थोड़ा क्रश कर लिया मैंने, चना और उड़द दाल, राई, जीरा, ये है अदरक लहसुन का पेस्ट बनाएंगे, फ्रेश वाला ही डालिए, ठीक है ना। पिकल्स के लिए फ्रेश वाला, ड्राई वाला अदरक लहसुन का पेस्ट ही चाहिए। हींग, लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी टेम्परिंग के लिए, ठीक है ना। अभी क्या करना है, फेनुग्रीव्स, हम लोगों को करी लीव्स भी लेना है। इस तरह फ्रेश वाले करी लीव्स भी आप ले लीजिए। मिर्ची पाउडर 120 ग्राम से ही लगेगा, ठीक है। अभी ये सारे पाउडर्स
जो हम लोगों ने टमाटो पेस्ट बनाया है ना वो इसमें डाल दीजिए, ठीक है, वो प्रोसेस रेडी होगा। ये रहा अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेशली क्रश्ड। अभी क्या करना है, मस्टर्ड ऑयल अच्छे से गर्म कर लीजिए और सारे टेम्परिंग्स इसमें डाल दीजिए। अच्छे से भुनने के बाद आपको पता है ना टेम्परिंग कैसे करना है, कर लीजिए और तेल ठंडा होने के बाद ही जो टमाटो पेस्ट हम लोगों ने बनाया है उसमें डाल दीजिए। ये रहा टमाटो पिकल इंस्टेंट रेडी आपके लिए, ठीक है ना। आप रोटी से खाओ या राइस के साथ खाओ, मज़ा तो मस्त आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। साइनिंग ऑफ MRP।